नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आपका जीवन कोश में और हमारे खास शो अतीत के पन्नों में। आज जो अतीत के पन्नों से निकाल कर लाए हैं वो है रामायण काल की एक कहानी। भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। क्या वाकई में माता सीता ने दो पुत्रों को जना था? महर्षि वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि माता सीता को जब भगवान राम ने त्यागा था और लक्ष्मण जब उन्हें जंगल में छोड़कर आए थे, तब भगवान राम को पता था कि वो गर्भवती है। लेकिन कई जगहों पर यह भी माना गया है कि भगवान राम को नहीं पता था कि माता सीता गर्भवती है। बहरहाल कहानी ये होती है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास से वापस आ जाते हैं और खुशी खुशी अपने राजपाट को संभाल कर भगवान राम चल पड़ते हैं, तब एक धोबी के घर में एक हादसा होता है। उसकी धोबन कहीं पर गई होती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो रस्ते में तेज बारिश के चलते, तूफान के चलते वो एक रात किसी अन्य व्यक्ति के घर पर रुक जाती है, सहारा लेती है और वापस आ जाती है अयोध्या में। धोबी उस महिला को अपनाने से इनकार कर देता है और ये भी कहता है कि मैं भगवान राम नहीं हूँ जो सीता एक वर्ष तक रावण की चंगुल में रही फिर भी अपना लूँ। ये बात धीरे धीरे अयोध्या में फैल जाती है, ये बात धीरे धीरे महल भी पहुँचती है। राम को जब ये पता चलता है कि उनकी जनता माता सीता को लेकर ये विचार रखती हैं, तो उनके मन में एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। वो माँ सीता के त्याग की तैयारी शुरू कर देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण माता सीता को जंगल में छोड़कर आते हैं और वहां पर महर्षि वाल्मीकि के यहाँ पर माता सीता रहती है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अपना जीवन शुरू करो, बाकी चीजों को भूलो और यहाँ पर आराम से रहकर अपने जीवन की आगे की कहानी खुद लिखो। माता सीता वहां रहती है। माता सीता को लव नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि लव जब थोड़ा बड़ा हो गया था तो माता सीता लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए महर्षि वाल्मीकि को बोलकर जाती है कि आप लव का ध्यान रखें, मैं कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ले आती हूँ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि उस वक्त काम में इतना व्यस्त थे कि माता सीता को लगा कि लव को साथ में ले जाना सही रहेगा। माता सीता लव को साथ लेकर चली जाती है। महर्षि थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लव वहां पर नहीं है। उनको ये लगता है कि माता सीता लव वहां पर छोड़ के गई हैं, लेकिन लव तो माता सीता के साथ थे। तब माता सीता के आने से पहले ही लव को ना पाकर महर्षि के दिमाग में आता है कि अगर माता सीता ये देखेंगी तो क्या होगा। तो वो वहां पर ही एक घास कुशा को लेते हैं और उसी से हूबहू लव की शक्ल वाले एक और बालक को पैदा कर देते हैं। उस कुशा में, उस घास में जान डालकर वो लव की जगह एक और लव, यानी कि उनका ही एक और भाई वहां पर पैदा कर देते हैं। माता सीता वापस आती हैं, देखती हैं कि वहां पर एक और लव है। वो उनको देखकर खुश हो जाती हैं। महर्षि आश्चर्यचकित रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। माता सीता उन्हें बताती हैं कि वो लव को अपने साथ लेकर ही गई थी। लेकिन कुश यानी कि कुशा, वो भी बालक उन्हें माता को बहुत पसंद आता है, तो वो उस बालक को भी अपना पुत्र मानकर अपने साथ रखती हैं। तो इस तरीके से माता सीता ने पुत्र जना था एक, लेकिन बाद में दो पुत्र हुए, लव और कुश। तो ये थी लव और कुश के जन्म की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।